दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो बिल्कुल फ्री है। उससे पहले जो अभी 4-5 दिन पहले हमने कटिंग्स लगाई थी, कप में प्लांट्स लगाए थे, उसका मैं आपको अपडेट दे देती हूँ। जो हमने ये टर्टल वाइन लगाई थी, पिंक वाली और ग्रीन वाली, छोटे छोटे से कप थे, तो उसमें अभी 4-5 दिन ही हुए हैं और हमारी कटिंग्स चलना स्टार्ट हो गई हैं। तो इतने सुंदर ये प्लांट हैं, कई प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी कटिंग 4 से 5 दिन में ही चल जाती है। दोस्तों ये प्लांट सुंदर भी इतने लगते हैं कि आप चाहे हैंगिंग बास्केट में लगाएं या फिर किसी भी छोटे पॉट में, सभी में ये बहुत सुंदर लगते हैं और फटाफट से चल जाते हैं। देखिए कितने सुंदर तरीके से इस कप में ये चल रहे हैं और दोनों ही कटिंग्स हमारी चलना स्टार्ट हो गई हैं। अलग से बिल्कुल दिखाई दे रही है इनमें नई ग्रोथ। और बस पानी मैं इनमें बस थोड़ा सा ऐसे ही छिड़क देती हूँ, जैसे कि देखिए आप देख रहे हैं, बस स्प्रे से। इससे ज़्यादा पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं देना है, अगर थोड़ा सा भी इसमें ज़्यादा पानी दिया तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो बस यही ध्यान रखना है कि बस हल्का सा पानी बस छिड़क देना है ताकि इनमें रूट्स बन जाएँ और जल्दी से हमारी कटिंग्स चलना स्टार्ट हो जाएँ। तो बस कटिंग लगाते समय ये ध्यान रखें कि हमें पानी ज़्यादा नहीं देना है लेकिन नमी बना के रखनी है। अभी मैं आपको देखिए जो ट्रे गार्डन बनाया था इसका छोटा सा अपडेट दे देती हूँ। इसका एक छोटा सा प्लांट लगा दिया था मैंने इसमें जो टूट गया था सिंगोनियम का, तो देखिए उसमें नया पत्ता निकलने वाला है। तो इसकी छोटा सा भी कोई प्लांट अगर टूट भी जाए तो उसकी कटिंग भी चल जाती है। और जो दो बड़े प्लांट लगाए थे वो तो अच्छे से चल रहे हैं, उनमें नई पत्तियाँ भी आ गई हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं ये प्लांट और बड़ा सुंदर लगता है ये ट्रे गार्डन। तो एक ट्रे गार्डन तो ज़रूर बनाना चाहिए, छोटी सी जगह में कई प्लांट्स लग जाते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हैं चने। चने को अगर हम रात को भिगोते हैं तो इसका पानी आप बिल्कुल भी मत फेंकिए। चने हो या फिर छोले हो या बादाम, जैसे हम रात को भिगोते हैं तो इसके पानी को आप किसी भी अपने प्लांट में दे दीजिए। और अभी एक दो बार मैं और धोऊंगी ये, तो उसको भी मैं सारे पानी को इकट्ठा कर लूँगी। और इस पूरे पानी को इकट्ठा करने के बाद आप आधा आधा गिलास अपने सभी प्लांट में दे दीजिए, जितने में भी दिया जाता है। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इतने सारे पोषक तत्व होते हैं इसमें और हमारे प्लांट्स को बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या फिर इंडोर प्लांट्स हैं, सभी के लिए बहुत अच्छा है। तो कलर देखिए आप कितना इसका चेंज हो जाता है, बिल्कुल अलग लगता है। और आप चाहें तो इसमें थोड़ा बहुत पानी भी मिक्स कर सकते हैं। वैसे जब मैंने एक दो बार और चने धोए थे तो इसमें काफ़ी सारा पानी ऐड हो गया है। उसके बाद मैं अपने सभी प्लांट्स में थोड़ा थोड़ा दे दूंगी, जितने में भी दिया जाता है। जैसे कि पीस लिली में दे सकते हैं आप, सदाबहार में दे सकते हैं, कोई भी प्लांट हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम इंडोर प्लांट में नहीं देते हैं कि फंगस वगैरह लग जाएगी, लेकिन ये चने का पानी तो बहुत अच्छा रहता है। आप मनी प्लांट में या फिर किसी भी इंडोर प्लांट्स में दे सकते हैं, बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है इन सब चीज़ों से। और कहीं से भी हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें फिर अपने प्लांट्स में नहीं देनी पड़ेंगी, सब्जियों के प्लांट्स में भी आप दे सकते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घर में ही हम रोज़ इस पानी को फेंक ही देते हैं, तो ऐसी चीज़ों को जब भी हम बनाएं तो उसका पानी हम इकट्ठा कर लें और अपने प्लांट्स में दें तो बहुत ही बढ़िया से रिज़ल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय। जय सियाराम।